वेलकम टू माय चैनल। मैं सुंदर कुमार राय। आज हम सीखेंगे ग्राफ बनाना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ का मतलब होता है पिक्टोरियल डाटा। मीन्स ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने जस्ट डाटा एंटर करना है और वो ऑटोमेटिकली मीन्स अपने आप ये ग्राफ बना देगा। इसमें कई प्रकार के ग्राफ्स हैं, एरिया चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट एक्सेट्रा। तो गाइस, जैसे ये एक डाटा है, इस डाटा को जब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा जब हम इसका ग्राफ बनाए तो वो हम इस प्रकार के ग्राफ वो बना दिया। एक और एग्जांपल्स कि ये कुछ डाटा है, एक एमटीआई इंडस्ट्री है, एक जेटीएस इंडस्ट्री है और पिछले 3 सालों का ना इसमें इनकम्स जो है शो किया हुआ है कि 2015-16 में एमटीआई इंडस्ट्री ने 20 लाख रुपीस का कारोबार किया, 16-17 में 12 लाख एंड 17-18 में 27 लाख। सिमिलरली जेडीएस इंडस्ट्री ईयर 15-16 में 10 लाख, 16-17 में 12 लाख एंड 17-18 में 7 लाख। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाटा एंटर किया चार्ट बनाने के लिए तो लुक लाइक दिस, इस प्रकार के एक चार्ट बना दिया। तो आइए अब हम सीखते हैं कि ये ग्राफ बनाना कैसे है। सबसे पहले कर्सर को उस पोजीशन पे लाएंगे जहाँ पे हमने ग्राफ बनाना है। गाइज, मैं आपको जूम करके बतला रहा हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपने इंसर्ट टैग के ऊपर क्लिक करना है चार्ट बनाने के लिए। उसका जो इंटरफेस है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। इसमें से आपने चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप देखेंगे चार्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया। इसमें कई प्रकार के चार्ट हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। तो हमने जस्ट कॉलम के ऊपर क्लिक किया और कॉलम्स के ऊपर में क्लिक करके जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपसे डाटा एंटर करने को बोलेगा। एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे गाइस जो डाटा है वो हमने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। तो चूंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं तो हम जस्ट कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। अगर आपने टाइप करना है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हमने यही कॉपी करके और यहाँ पे जो विंडो ओपन है डाटा वाली डायलॉग बॉक्स उसमें हमने फीड कर देनी है। तो जस्ट कॉपी किया हमने और यहाँ पे हमने क्या करना है, पेस्ट कर देंगे। गाइज, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो 2 लाइनें एक्स्ट्रा आ गया है आपने इसको डिलीट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हमने इस विंडो को बंद कर देना है। तो आप देखेंगे कि आप जहाँ पे आपका कर्सर था वहाँ पे एक ग्राफ बन गया है। नाउ ग्राफ को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप जस्ट डबल क्लिक करोगे तो जो ग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स है वो फॉर्मेट चार्ट का अपीयर हो जाएगा। आप यहाँ पे जो कलर है अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई सॉलिड कलर फिल करना है बैकग्राउंड में, आपने कोई ग्रेडियंट फिल करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नाउ गाइज, अगर आपने ये जो डाटा है इसको स्विच करना चाहते हैं, स्विच मीन्स होता है ये जो डाटा है रो वाइज भी एंटर किया जा सकता है और कॉलम वाइज भी एंटर की जा सकती है। तो हमने जैसे आप सेलेक्ट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे ये जो स्विच वाली ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगी। तो हमने जस्ट स्विच रो एंड कॉलम के ऊपर क्लिक कर देनी है, देन प्रेस ओके। तो आप देखेंगे जो हमारा जो ग्राफ है वो चेंज हो गया। जो तो आप इस प्रकार से स्विच कर सकते हैं। नाउ गाइज, इसमें हमने जो कुछ टाइटल एंटर करना होता है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो इसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपने जस्ट डिज़ाइन के ऊपर जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या और भी यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन हैं। इनमें से आपको जौन सा सूटेबल लगता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने